हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि न्यू वीडियो आते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि आज आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आपके नाम पे कितने सिम हैं, आपको कैसे पता करना है क्योंकि आप जब आजकल जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है। कि आप कहीं सिम लेने जाते हो तो आप जब सिम लेने जाते हो तो फिंगरप्रिंट आपसे मांगा जाता है। तो क्या करता है वो कि पहला बार आपका फिंगरप्रिंट बोलता है कि नहीं उठता है, और उसी बार उठ जाता है। ऐसे करके वो क्या करता है, दो सिम आपके नाम पे ले लेता है और वो इस सिम यूज़ होता है। ठीक है, तो आपके साथ इस तरह का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है? आपके नाम पे कितने सिम है तो किस तरह से पता करेंगे, वही आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जरूर जाना है, क्योंकि टेक से रिलेटेड वीडियो डेली कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा इस चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे आ जाना। गूगल पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट देख पा रहे हो, संचार साथी, आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख पे ये पहला वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑफिशियल वेबसाइट है दूरसंचार विभाग का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे जब आओगे आपको नीचे ड्रैग करना है। ठीक है, आपको यहाँ नीचे ड्रैग करोगे, यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, आप लोग नीचे आओगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ब्लॉक योर लॉस्ट मोबाइल। ठीक है, मतलब जितना भी आप मोबाइल, यदि आपका मतलब कहीं खो गया तो उसको ब्लॉक भी करा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हो जो ऑप्शन आपको हम बताएं, नो योर मोबाइल कनेक्शन, आपके नाम पे कितने सिम है, आपको किस तरह से पता करना है, आपको यहाँ पे पता करना, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लोगे, इसके बाद यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल, यहाँ पे कैप्चा, और यहाँ क्या कर देना है ओटीपी, जब वैलिडेट करोगे तो ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी क्लिक करके लॉगिन करना है। और यहाँ पे जो आप सिम दोगे, जो नंबर दोगे, इस नंबर जिसके नाम पे होगा, जिसके नाम पे होगा, ये चाहे आपके पापा के नाम पे होगा या आपके नाम पे होगा या घर में किसी का नाम पे होगा, तो उसी का नाम का आपका दिख जाएगा, क्योंकि वही नंबर पे जिसका नाम, जिसके नाम पे है, वही उसी का लिस्ट आ जाएगा 10, क्योंकि इसके नाम पे इतना, इसके नाम पे इतना। ठीक है, आपको हम दिखाते हैं अभी। ठीक है, लॉगिन करके देख पा रहे हो हमारे केस में, हम मेरा ओटीपी आके हम क्लिक कर चुके हैं। यहाँ जैसे आप नंबर लिखोगे यहाँ ओटीपी आएगा, यहाँ पे नंबर लिखने के बाद ये कैप्चा लिखोगे, इसको वैलिडेट करोगे आपको ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी टू, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका दिख जाएगा लिस्ट में आपके नंबर कितना है, आपके नाम पे सिम, आपका जो नंबर आप क्लिक करेंगे वो जिसके नाम पे होगा तो उसी नाम पे आपका टोटल लिस्ट आ जाएगा। जैसे देख पा रहे हो मेरे केस में चार सिम है, चार सिम है। यदि इसमें से आपको कोई भी डाउट हो कि ये मेरे, देखो यहाँ पे पहला डिजिट दिख रहा है आप लोग को और यहाँ आखिरी डिजिट दिख रहा है, चार डिजिट दिख रहा है, इसमें से कुछ भी आपको डाउट हो कि ये मेरे नाम पे नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नॉट माई मोबाइल नंबर करके आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हो एक एक सिम। यदि आप देखोगे कि सही है, ये चारों मेरे घर का है किसी ना किसी का नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना, ई कर जाना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से देखना है आपको मेरे नाम पे कितने सिम है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका मोबाइल खो गया है तो आप इसको किस तरह से ब्लॉक कर सकते हो, चलिए वो भी आपको बताते हैं। सिंपली आपको संचार साथी वाले ऑप्शन पे आ जाना है, साइट पे आ जाना है, यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लॉक योर लॉस्ट मोबाइल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो खो गया आपके फोन को, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आना है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ब्लॉक मोबाइल, ब्लॉक यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यदि ब्लॉक कर लिए, इसके बाद आपको बाद में पता चला कि मुझे वो फ़ोन मिल चुका है, तो उसको आपको अनब्लॉक यहाँ से करना है आपको। इसके बाद जो ब्लॉक करोगे उसका स्टेटस, या अनब्लॉक करोगे उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हो, चेक स्टेटस रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो यदि आपको ब्लॉक करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे ब्लॉक करके क्लिक करना है। सिंपली आपका ब्लॉक का रिक्वेस्ट खुल जाएगा जब यहाँ पे आओगे आप लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके आपको ये वाला ऑप्शन देख पा रहे हो, ब्लॉक योर मोबाइल, ये वाला क्लिक करना आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो, ये ब्लॉक वाला ऑप्शन है, ये वाला अनब्लॉक, यदि ब्लॉक कर लिए आप लोग, फिर आपको बाद में पता चला कि आपको अनब्लॉक करना, तो यहाँ आप अनब्लॉक कर सकते हो या स्टेटस चेक कर सकते हो। ये मेरे केस में ब्लॉक करना है तो ब्लॉक पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, जानकारी देना है, आपको मोबाइल नंबर लिखना है, जो आपका वो जो मोबाइल आपका खो गया है वो मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। यदि उस मोबाइल में दो सिम है तो आप दूसरा नंबर यहाँ लिखोगे। इसके अलावा ईएमआई नंबर, देखो ईएमआई नंबर जो होता है आपके फ़ोन में मिलता है, आप वो देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो। अब आपको सोचोगे सर ये मुझे कहाँ मिलेगा, तो आप जब फ़ोन खरीदे होंगे तो आपको वो स्लिप मिला होगा, तो उसी में आपका लिखा होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका फ़ोन अभी नहीं हराया हो, आप यदि चाहते हो कि भविष्य में मेरा फ़ोन हरा जाए, मतलब खो गया यदि भविष्य में, तो ईएमआई नंबर आप कैसे निकाल सकते हो, तो *06#, ये लिख लेना आप लोग, यहाँ से भी आप निकाल के आपका कॉपी में लिख सकते हो, चाहे भविष्य में आपका फ़ोन खो जाए तो आप ये ईएमआई देके ब्लॉक कर सकते हो अपने फ़ोन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करके आपका कौन सा डिवाइस है आपको चॉइस कर लोगे आप लोग का। ठीक है, यहाँ एक एक चीज़ दिख जाएगा आपका डिवाइस में। ठीक है,
देखो यहाँ क्या है, फोन वोन एक चीज आप लोग देख लोगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे डिवाइस मॉडल दे दोगे, यहाँ पे फोन, इसके बाद यहाँ पे जो फोन आप परचेज किए होंगे इसका आपको जो स्लिप, आपको जो बोल रहे हैं हम वो स्लिप यहाँ पे वो अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको जो फोन हुआ है तो वो प्लेस लिख लेना है, या डेट क्लिक कर देना है, या स्टेट कहाँ पे खोया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, थाना सेलेक्ट कर लेना है आपको वहाँ का, यहाँ पे पुलिस कंप्लेन नंबर, आप यदि फोन आपका मतलब खो गया है तो आपको क्या करना होगा, एक चीज़ पुलिस कंप्लेन आपको जरूर कर देना है। पुलिस कंप्लेन जो करोगे आपका एक स्लिप मिलता है, आपको प्रिंट आउट मिलेगा वहाँ से, तो वो कंप्लेन नंबर को यहाँ अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद एड मोर कंप्लेंट भी कर सकते हो, डबल दे देना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसका जो जिसका फोन खोया हुआ है उसका डिटेल आप लोग भर दोगे, ओनर नेम भर दोगे, यहाँ एड्रेस भर दोगे, यहाँ आइडेंटिटी कार्ड ले लोगे, चाहे कुछ भी हो, पैन आधार जो भी लोगे, जो आप कार्ड सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको वो अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको नंबर लिख देना है, चाहे आधार कार्ड दोगे या पैन कार्ड दोगे, यहाँ कैप्चा क्लिक करके, यहाँ मोबाइल नंबर क्लिक करके गेट ओटीपी करोगे कोई भी एक फ़ोन से, ठीक है। यहाँ डिक्लेरेशन क्लिक करोगे और सबमिट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यदि इसका स्टेटस जानना है, ठीक है, स्टेटस जानना है कि आपका क्या है, तो यहाँ पे आप चेक रिक्वेस्ट स्टेटस में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको वो क्या होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होगा, वो जब करोगे तो बस आपको यहाँ रिक्वेस्ट आईडी डाल के यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आप लोग का चेक हो जाएगा आपका कहाँ तक आपका प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा, यदि फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जरूर जाना, क्योंकि टेक्स रिलेटेड वीडियो डेली कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।